हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आपकी जो कि स्पीड प्रॉपरली नहीं आ पा रही है या आपको दिक्कत हो रही है दोस्तों उसको चलाने में, यानी आपकी स्पीड बहुत कम आ रही है, तो अगर आपकी स्पीड कम आ रही है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली सल्यूशन इसका बताऊँगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सानू है और आप देख रहे हैं SBS टेक। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस बेल का आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बेसिकली ये ज़्यादातर हो काहे को रहा है, हमारे जियो की स्पीड कम क्यों आ रही है। तो बेसिकली ऐसे नहीं है कि हमारे जियो की सर्विसेज कम हो चुकी हैं या हमारे जियो में सर्विसेज कम आ रही हैं, ऐसा क्यों कुछ नहीं है दोस्तों। लेकिन दोस्तों हाँ, थोड़े बहुत बदलाव होते रहते हैं हमारी जियो के सिम वगैरह में, सर्विस वगैरह में, सर्वर वगैरह में। तो उन लोगों के ही लिए दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें से आधे से ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा इस सेटिंग्स के बारे में कि कुछ जियो में चेंज हो चुका है। तो बेसिकली वो चेंज़ क्या हुआ है वो मैं अब आपको बताऊँगा। तो वीडियो को देखते रहिए दोस्तों और मैं आपको बता देता हूँ, आपको इस सब को करने के लिए आपको जाना होगा अपने सेटिंग्स में। सेटिंग्स पे पहुँचने के बाद हमें मोबाइल डेटा पर क्लिक करना है। बेसिकली दोस्तों हर मोबाइल का फीचर अलग अलग होता है, मैं आपको बता दूँ, कुछ मोबाइलों में मोर लिखा हुआ आता है और कुछ मोबाइलों में नेटवर्क सेटिंग्स लिखा हुआ आता है डैशबोर्ड पर। ज़्यादातर दोस्तों ये जो दिक्कतें आ रही हैं वो सैमसंग के फ़ोनों में आ रही है, तो मैं बेसिकली आपको बता दूँ कि उसको कैसे फिक्स करना है। तो बेसिकली दोस्तों मैं यहाँ पर जो मेरा है वो मोबाइल डेटा में मुझे जाना पड़ेगा। मोबाइल में दोस्तों डेटा को खोलते ही यहाँ पर हमारे परफेक्ट नेटवर्क टाइप आएगा। तो बेसिकली दोस्तों आपको इसको ध्यान में देना है, क्योंकि दोस्तों इससे ही हमारे इसमें दिक्कत आ रही है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर क्लिक करते ही दोस्तों आपको यहाँ पर LTE, GSM और ऑटो पर आपको यहाँ पर आपका क्लिक करा हुआ होगा। तो बेसिकली मेरे पास जो परफेक्ट नेटवर्क टाइप है वो LTE, WCDM, GSM, ऑटो है। मेरे पर LTE का ऑप्शन नहीं है, तो बेसिकली काफ़ी फ़ोनों में खाली LTE का ऑप्शन रहता है, तो आपको बेसिकली उस पर क्लिक कर देना है, ऑटो पर नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों ऑटो पर आप क्लिक करेंगे तो आपका नेट बहुत स्लो चलेगा। मेरा दोस्तों नहीं चल रहा है, क्योंकि ये सिचुएशन है कि मेरे पास सीधी LTE नहीं लिखा हुआ आ रहा है, तो मेरा इस वजह से काफ़ी अच्छे चल रहा है नेट। लेकिन अगर मेरे में LTE खाली होता, यानी कि ओनली LTE का ऑप्शन होता, तो मेरे में भी काफ़ी स्लो नेट चलता। तो अगर आपके फ़ोन में ऐसा है तो आप इस सेटिंग्स को ज़रूर बदल लें और आपका नेट काफ़ी अच्छा चलने लग जाएगा। ये 100% मैं श्योर हूँ दोस्तों, ये जो है जियो वालों ने अपनी थोड़ी सी सर्विस में चेंज किया है। 5-7 दिन पहले सही चल रही थी, लेकिन कुछ टाइम से ये सही नहीं चल पा रही थी। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपका 100% चलेगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आपके पास ये ट्रिक 100% वर्क कर जाए तो प्लीज़ जब भी लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आगे भी दोस्तों हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित हो सकती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।